हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ऑफ क्लास सेवंथ यू हैव लर्न इन चैप्टर वन दैट द प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चैप्टर वन में आपने ये पढ़ लिया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है अपना जो फूड है वो फोटो से प्रिपेयर करते हैं बट एनिमल्स कैन नोट जो एनिमल्स होते हैं वो खुद का फूड जो है वो नहीं बना पाते हैं animals get their food from the plant either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जो animals होते हैं वो अपना food जो है plant से लेते हैं चाहे वो directly plants को खाएँ या फिर उन animals को खाएँ जो plants को खाते हैं Some animals eat both plant and animals. कुछ एक ऐसे animals होते हैं जो plants को भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं Now जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं और ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ओमनीवोर्स होते हैं रिकॉल डैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द ह्यूमन रिक्वायर द फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एनिमल न्यूट्रीशन इंक्लूड न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट मोड ऑफ टेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स उन्हें फूड की जरूरत होती है फॉर द ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी नाउ एनिमल जो न्यूट्रिशन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फर्स्ट है न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट फ़ूड को किस तरह से हम इनटेक कर रहे हैं एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और जो वो फूड हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है यू हैव स्टडी इन द क्लास सिक्स डेट द फूड कंसिस्ट ऑफ द मैनी कंपोनेंट ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो क्लास सिक्स में आपने फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था अगर आपको रिकॉल हो तो आप याद कर सकते हैं वो कंपोनेंट्स थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स रफेज एंड वाटर आल्सो इंक्लूडेड द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लैक्स सप्टानसिस जो भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स सब्टानसिस होते हैं दिस कम्पलेक्स सप्टानांसिस कैन नॉट भी यूटिलाइज एज सच और ये जो कम्प्लेक्स सप्टानसिस होते हैं हम इनको ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सप्टानसिस तो उनको पहले सिंपलर सप्टांसिस में तोड़ना पड़ता है द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लैक्स सप्टांसिस ऑफ फूड इंटू सिंपलर सप्टांसिस इज कोल्ड डाइजेशन जितने भी कंप्लेक्स सप्टानसिस होते हैं उनको जब सिंपलर सप्टानांसिस में तोड़ा जाता है डैट प्रोसेस इज कोल्ड द डाइजेशन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बीज एंड द हम्बिंग बर्ड सख्त द नेक्टर ऑफ द प्लांट इनफेंट ऑफ द ह्यूमन एंड द मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर मिल्क स्नैक लाइक द पाइथन स्वेल्व द एनिमल दे प्रे अपोन सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन दैम फूड को इनटेक करने का जो वेज होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम में वेरीज करता है बीज एंड हम्बिंग बर्ड्स प्लांट के फ्लावर्स के नेक्टर को सक करते हैं जो ह्यूमन के इंफ्लुंट्स होते हैं या बहुत से एनिमल्स के जो छोटे बेबीज होते हैं वो मदर मिल्क के ऊपर फीड करते हैं पाइथन लाइक स्नेक जो हैं वो अपने प्रे को निगल जाते हैं कुछ तो एक एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो उनके करीब फ्लोट कर रहे होते हैं और वो उनके ऊपर फीडअप करते हैं अमेजिंग फैक्ट स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पुप आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल द स्टोमक दैन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. स्टार फिश जो होती है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे ही शेल ओपन करता है ये स्टारफिश अपने स्टोमक को अब बाहर निकाल देती है और उस सॉफ्ट एनिमल्स को अपने अंदर ले लेती है द स्टोमक जो है उसके बाद वापस उसकी बॉडी में चला जाता है और जो फूड होता है जो वो एनिमल होता है उसे वो स्लोली डाइजेस्ट करती है टू पॉइंट टू डाइजेशन इन द ह्यूम वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज यू नो डैट हम फूड को अपने मुंह के रास्ते लेते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर द डिफिकेटेड हैव यू एवर वॉन्डर वट हैपन टू द फूड इन साइड द बॉडी अब जो भी अनयूज पार्ट होता है फूड का उसे हम बाहर रिलीज कर देते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या होता होगा फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो भी फूड है वो एक कंटिन्यूस कैनल में पास आउट होता है जो बिगिन करती है हमारे बक्कल कैविटी से एंड इट एंड्स एट द एनस। और एनस पे जाकर ये ख़त्म होती है द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स द बक्कल कैप्टी फूड पाइप और the oesophagus the stomach the स्मॉल intestine द लार्ज इंटस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एन जो एलिमेंट्री कैनल है उनको हम वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज द बक्कल कैप्टी सेकेंड फूड पाइप और द ऑइोफेगस स्टोमक फोर्थ इज द स्मॉल इंटस्टाइन फिफ्थ इज द लार्ज इंटस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड दिक्कत वन इज द एन एल इज एट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ क्या ये एक बहुत लंबा पाथ नहीं है दिस पार्ट टूगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक ये सारे पार्ट इकट्ठा होकर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स जो भी फूड हम खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाता है जब वो इस एलिमेंट्री कैनाल में से पास आउट होता है द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज दैलि ग्लैंड एंड द लीवर एंड द पेनक्रियाज सिक्रीट द डायजेस्टिव जूसेस जो भी एलिमेंट्री कैनाल की इनर की लाइन्स होती हैं चाहे वो स्टोमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन की है बहुत सारी ग्लैंड जो हैं उसके साथ एसोसिएटेड रहती हैं जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड है लीवर है एंड पेनक्रियाज है दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेज और सेलेवे ग्लैंड हो या लीवर हो या पेनक्रियाज हो वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रिट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्टानसिस ऑफ द फूड इंटू सिंपलर वन अब इन डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है कि ये जो भी कम्प्लेक्स सब्टानसिस जो भी होते हैं फूड के उनको सिंपलर वन में चेंज कर देते हैं द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक है या आपकी एलिमेंट्री कैनल है उसके साथ जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम इकट्ठे जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं नाउ लेट अस नो वट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक के डिफरेंट पार्ट्स में फूड के साथ क्या होता है आइए अब हम ये जानते हैं फिगर टू पॉइंट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजस्टिव सिस्टम जो शुरू होता है जो उसकी एलिमेंट्री कैनल होती है उसमें पहला जो पार्ट होता है वो होता है बकल कैप्टी बकल कैप्टी में सबसे पहले आते हैं लिप्स जो हमारा माउथ बनाता है लिप्स जो है वो एक्सटर्नली जो है वकल कैप्टी को कवर अप करता है बकल कैप्टी में हमारे तीत और टंग प्रजेंट होती है जो हमारे टीथ होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं इंसीजर, कैनिन प्री मोलर एंड मोलर इनके बहुत सारे जो वर्क हैं वो करते हैं जैसे ऑफ करना प्रचीज़ करना बाइट करना या ग्राइंड करना तो ये जितने भी काम हैं वो हमारे तीथ करते हैं नाउ जो टंग होती है टंग जो है इसमें बहुत सारे टेस्ट पर प्रेजेंट होते हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो हम फूड खा रहे हैं वो स्वीट है शोर है बिटर है या सोल्टी है हमारे टंग के नीचे जो है सेलिवरी ग्रैंड प्रेजेंट होती हैं जिसमें से सिलाइवा सिक्रेट होता है सिलाइबा का बहुत सारा फंक्शन होता है पहला तो ये है कि ये जो भी स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है शुगर में जब हम फूड को चबा रहे होते हैं तो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है बक्ल कैप्टी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ओइसोफेगस ओइसोफेगस जो है बिल्कुल एडजेसेंट होती है हमारी विंड पाइप के साथ विंड पाइप के ऊपर एक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस जब हम कुछ भी निगलते हैं तो एपिग्लोटिस का काम होता है कि वो विंड पाइप को बंद कर देती है और जो फूड होता है वो हमारे बकल कैप्टी से होते हुए हमारे ओइसोफेगस में चला जाता है हेयर इज़ द ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो के बाद जो फूड है वो स्टोमक में एंटर करता है जो हमारा स्टोमक होता है वो लेटर यू की तरह उसकी शेप होती है हम इमेजिन कर सकते हैं कि लेटर यू की तरह उसकी शेप होती है स्टोमक में एक एसिड एच सी एल प्रजेंट होता है म्यूकस प्रजेंट होता है और साथ में कुछ एक डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो हमारे फूड को ग्राइंड अप करने के लिए पेस्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं ना जो एच सी एल होता है उसका ये काम होता है कि जो भी फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स आ रहे हैं वो उसको वहीं पे ही किल कर देता है नाउ उसके बाद स्टार्टअप होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही कवर्ड अप होती है 7.5 मीटर जो है ये लोंग होती है और जितना भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट लिपिड्स जितने भी फूड के कंपोनेंट हैं वो यहीं पे ही सारे के सारे डाइजेस्ट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर लेयर होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं इनका काम होता है कि एब्जॉर्बशन एरिया को ज़्यादा बढ़ाना ताकि जो भी फूड में कंपोनेंट आ रहे हैं उसको हम ईजिली जो है एब्जॉर्ब कर सकें नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है जहाँ पे लार्ज इंटस्टाइन स्टार्टअप होती है वहाँ पे एक छोटा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है डेट इज कोल्ड एज द अपेंडिक्स जिस फूड होता है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ से जितना भी वाटर या सोल्ट है फिर से रीऑब्जॉर्व होता है हमारी वापस बॉडी में और जो भी बेस्टेड प्रोडक्ट होता है फूड का वो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में जाता है और रेक्टम के बाद ये एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है नाउ दिस इज़ द लीवर लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी लीवर जो है वो वाइल सिक्रीट करता है और जो वाइल है वो गाल ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पे स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए उसके बाद वाइल से होता हुआ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है जहाँ पे स्टोमक और इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहाँ पे जो इंटेस्टाइन होती है वो सी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जहाँ पे एक और जो हमारा ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है डेट इज कोल्ड एज द पेनक्रियाज ना पेनक्रियाज से भी पेनक्रियाटिक डक्ट्स बाहर निकलती हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं और अपनी सिक्रीशन को वहीं पे ही सिक्रेट अप करती है तो बच्चों दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द माउथ एंड द बक्कल कैप्टी फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारे मुंह के द्वारा ही हमारी बॉडी में जाता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इंटू माउथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेक्शन विच यू द फूड विद द हेल्प ऑफ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मकैनिकली इंटू स्मॉल पीसेज ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स अवर टीथ बेरी इन द अपेयरेंस एंड द परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स हम अपने फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर तीत उसके बाद हम मकैनिकली जितना भी फूड हम ले रहे होते हैं उसको स्मॉल पीसेज में तोड़ देते हैं ईच टूथ जो होता है एक प्रत्येक दांत जो होता है वो एक सेपरेट सॉकेट में गम्स में रूटेड अप होता है और जो तीत होते हैं उनकी अपेयरेंस जो है और उनका जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे उनका डिफरेंट नेम होते हैं हेयर इज़ द फिगर टू पॉइंट थ्री नाव अरेंजमेंट ऑफ द टीथ एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ नाउ जो फर्स्ट आपके फोर जो फर्स्ट आपके फोर टीथ हैं दे आर नोन एज द इंसीजर उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो कैनन होते हैं टू जो पेयर हैं वो प्री मोलर हैं और लास्ट के जो थ्री पेयर हैं उनको हम मोलर कहते हैं These are the arrangement and the different type of the teeth which we have in our mouth. Milk teeth and permanent teeth. Do you remember about falling off your teeth some year ago? The first set of the teeth grows during the infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. चाइल्ड हुड में जो फर्स्ट सेट था टीथ का ग्रो अप किए थे वो सिक्स टू एट ईयर के बीच में टूट गए थे दे आर टर्म डेज द मिल्क टीथ उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है द सेकेंड सेट डेट रिप्लेस दैम आर द परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ को जो नेक्स्ट टीथ रिप्लेस करते हैं उन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारी लाइफ में थ्रू आउट रहते हैं ये ओल्ड एज में टूटते हैं या फिर कुछ डेंटल डिजीजेज की वजह से गिर जाते हैं टिफिटी टू पॉइंट टू वॉश योर हैंड लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ हाउ मैनी काइंड ऑफ द टीथ कूड यू फाइंड टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल or the bed and eat it which teeth do you use for the biting and cutting and which one for the precising and tearing also find out the ones that are used for the chewing and grinding activity 2.2 jo hai wo aap apple ya bread ke sath kar sakte hain और आप इसमें पता लगा सकते हैं कि cutting और biting teeth कौन कौन से हैं प्रिसिजिंग and tearing teeth कौन से हैं और चुइंग और ग्राइंडिंग टीथ्स कौन कौन से हैं अवर माउथ हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड विच सिक्रीट द सिलाइवा हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड होते हैं जो सिलाइवा को सिक्रीट करते हैं डू यू नो द एक्शन ऑफ द स्लाइवा ऑन द फूड क्या आपको पता है कि फूड के ऊपर सिलाइवा का क्या एक्शन होता है लेट अस फाइंड आउट आइए हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं टेक टू टेस्ट ट्यूब लेवल ए एंड बी इन द टेस्ट ट्यूब ए पुट वन टी स्पून ऑफ द बोइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी कीप वन टी स्पून ऑफ द बॉयल्ड राइस आफ्टर चुईंग इट फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स हम एक्टिविटी टू पॉइंट थ्री में दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे एक को लेबल ए करेंगे और दूसरे को लेबल बी करेंगे अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हम बॉयल्ड राइस लेंगे लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में हम बॉयल्ड राइस डालेंगे और बी में जो हम बॉयल्ड राइस डालेंगे उसको चुई करेंगे थ्री टू फाइव मिनट्स के लिए एट थ्री टू फोर एम एल ऑफ द वाटर इन बोथता टेस्ट ट्यूब अब उसके बाद थ्री टू फोर एम एल जो है वाटर हम इन टेस्ट ट्यूब में एड करेंगे नाउ पोर द टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ द आयोडिन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व अब उसके बाद दो से तीन ड्रॉप जो है आयोडिन सोल्यूशन के हम इन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे वाई इज देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर टेस्ट ट्यूब ए में हमें पर्पल कलर मिल रहा है जबकि टेस्ट ट्यूब बी में हमें कोई भी कलर नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि जो भी स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है बाय द मीन ऑफ द सिलाइवा सो जब हम आइडिन टेस्ट करते हैं तो हमें बी टेस्ट ट्यूब में कोई भी कलर नहीं मिलता है तो दिस इज द एक्शन ऑफ द सिलाइवा ऑन स्टार्च स्टार्चवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन टू शुगर जो सिलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक अप कर देता है द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैप्टी हमारी जो टंग होती है बहुत ही फ्लैशी होती है मस्कुलर ऑर्गन होती है और ये हमारे बक्कल कैप्टी में फ्लोर पे प्रजेंट होती है इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूवड इन ऑल डायरेक्शन ये आगे से बिल्कुल फ्री होती है वही डायरेक्शन में ये घूम सकती है डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग क्या आपको टंग के फंक्शन पता है वी यूज़ अवर टंग फॉर द टॉकिंग बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्विंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड नाउ हम अपनी टंग का इस्तेमाल बोलने के लिए करते हैं इसके साथ साथ जो टंग है वो सलाइवा को फूड में मिक्स करती है इट आल्सो हेल्प इन स्वेलिंग फूड और फूड को निगलने में भी हेल्प करती है वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग हम अपने टंग से फूड को टेस्ट भी करते हैं इट हैज़ टेस्ट बर्ड डेट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो प्रजेंट होते हैं फूड के डिफरेंट टेस्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू आस नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रजेंट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं हाउ एवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड द माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आलसो बिगेन टू लिव एंड ग्रो इन इट अगर हम कुछ खाने के बाद अपने मुंह को साफ़ नहीं करें अपने दांतों को साफ ना करें तो बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो भी वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज द एसिड द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ और ये बैक्टीरिया जो होते हैं धीरे धीरे शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से एसिड रिलीज होते हैं द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ और ये जो एसिड है धीरे धीरे जो है हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके समाइम वेन यू ईट इन ए हरी टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू मेक कफ और चौकिंग सेंसेशन दिस हैपन वेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप The windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs, runs adjacent to the food pipe. But inside the throat, air and the food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of the swelling, a flap like valves close the passage of the windpipe and guide the food into the food pipe. If by chance the food particle enter the windpipe, we feel choke at कफ कभी कभी जब हम जल्दी में खाना खा रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं तो हमें खांसी आ जाती है या हमारा गला रुक जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारी विंड पाइप में चली जाती है विंड पाइप जो है नोस्टल से लंग्स की तरफ एयर को लेके जाती है ये बिल्कुल हमारे फूड पाइप के साथ ही प्रेजेंट होती है इनसाइड द थ्रोट एयर और जो फूड का पैसेज है वो कॉमन है देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप जब हम कोई भी फूड को स्वेल अप करते हैं तो एक फ्लैप लाइक बल्ब जो है वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है और गाइड करता है कि फूड जो है फूड पाइप की तरफ जाए और उस बल्ब को कहते हैं एपी ग्लोटिस द फूड पाइप और द ओसोफेगस द स्वेल्थ फूड पासिस इन टू द फूड पाइप और ओइसोफेगस जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी फूड पाइप या ओसोफेगस में से होकर गुजरती है लुक एट द फिगर टू पॉइंट टू द फूड पाइप रंस एलोंग द नेक हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फूड पाइप टू पॉइंट सेवन मोमेंट ऑफ द फूड इन दिसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हमारे बक्कल कैप्टी से फूड जो है ऑसोफेगस में जाता है और ऑइसोफेगस जो है वो एंटर करती है इन टू अवर स्टॉक फूड इज पोस्ट डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशिज द फूड डाउन एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाई आवर स्टोमक एंड इट इज़ बोमिट आउट रिकॉल द इंस्टेंट वैन यू बोमिट आफ्टर ईटिंग और द थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट डिस्कस विद योर पेरेंट एंड टीचर जो भी हम खाना खाते हैं वो फोर फाइव की बॉल की मूवमेंट की वजह से नीचे जाता रहता है और ये जो मूवमेंट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एज इट चलती रहती है जिसकी वजह से खाया हुआ जो भी फूड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है कभी कभी जो फूड हम खाते हैं वो स्टोमक में नहीं पचता है और वो वोमिट के थ्रू जो है बाहर वापस आ जाता है नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्टोमक स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटेंट यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा स्टोमक होता है काफ़ी थिक वॉल्ड होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जो भी शेप होती है वो आप लेटर यू की तरह इमेजिन कर सकते हैं नाउ ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर ये फूड पाइप से जो भी फूड आ रहा होता है उसको रिसीव करता है और दूसरे एंड पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है द इनर लेरिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रीट द म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज लेयर्स होती हैं वो सिक्रीट करती है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक की जो इनर लेयर है जो म्यूकस को सिक्रीट करती है स्टोमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेड एंटर अलोंग विद द फूड जो एसिड होता है बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है जो भी हमारे फूड के साथ हमारे स्टोमक में एंटर करते हैं एंड मेक द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेज टू एक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो भी स्टोमक का मीडियम होता है वो एसिडिक बन जाता है जो डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए हेल्पफुल करता है द डाइजेस्टिव जूसेज ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन सिंपलर सब्टांसिस अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपल सब्टांसिस में तोड़ देते हैं नेक्स्ट वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉयल्ड एंड इज अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉयल्ड होती है और ये अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर लंबी होती है इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज लीवर और पेनक्रिया से जो भी सिक्रीशन निकल रही होती है वो इसमें ही आती है बिसाइड इट्स बोल आसो सिक्रीट द जूसी साथ में इसकी बोल्स भी जूसेस को सिक्रीट करती हैं द लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबडोमन ऑन द राइट साइड जो लीवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो हमारे स्टोमक के राइट right साइड पे, अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में इट सिक्रीट द बाइल जूसेज डेट इज स्टोर इन सेक कोल द गल ब्लैडर लीवर बाइल जूसेज को सिक्रियट करता है जो कि गार्ल ब्लैडर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोरअप होते हैं द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेसन ऑफ फैट जो बाइल होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं द पेनक्रियाज इज ए लार्जर क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक जो पेनक्रियाज होता है एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो बिल्कुल स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक जूसेज एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन एंड चेंज चेंजेस डैम इन टू सिंपलर फॉर्म जो भी पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स के ऊपर करते हैं और इन्हें चेंज करते हैं उनके सिंपलर फॉर्म में now the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the juice is complete A digestion of all component of the food the carbohydrates gets broken into simple sugars fat into fatty acid and the glycerol and the protein into the amino acid partly digested food to have स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है इंटेस्टाइनल जो जूसेस होती हैं वहाँ पे जितना भी फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में टूट जाता है जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रॉन में टूटते हैं और जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में ब्रेकअप हो जाता है एब्जॉर्बशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन दिस प्रोसेस इज कोल्ड द एब्जॉर््शन नाव जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो इंटस्टाइन की वोल में जो वेसल्स प्रजेंट होते हैं उसमें एब्जॉर्ब होता है दिस प्रोसेस इज कोल्ड एज द एब्जॉर््शन नाव द इनर वोल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ दिज आर कोल्ड द विलाई सिंगुलर व्हील्स स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है और उन स्ट्रक्चर को कहते हैं विलाई सिंगुलर देखा जाए तो विलस कैन यू गैस वट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि इंटेस्टाइन में विलाई का क्या रोल हो सकता है द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है जिससे डाइजेस्टिव फूड जो है ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस हर विलस में ब्लड वेसल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो उसके सरफेस के साथ क्लोजली अटैच होता है द सर्फेस ऑफ द विलाई एबजॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटीरियल विलाई का ये सरफेस होता है वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड द कंप्लेक्स सब्सटेंसेस जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल, फूड के थ्रू विलाई एब्जॉर्ब करता है वो ब्लड वेसल से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं जहां पे वो नेक्स्ट कंप्लेक्स सब्टांसिस को बिल्डअप करते हैं जैसे कि प्रोटीन दिस इज कोल्ड द एसीमिलेशन और इस प्रोसेस को कहते हैं एसीमिलेशन इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलज ग्लूकोज वहाँ पे प्रजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड बहुत सी जो एनर्जी है वहाँ पे रिलीज़ होती है द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्टिड एंड अनएबजॉर्ब एंटर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन और ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टिड रह जाता है या अनएब्जॉर्ब रह जाता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है द लार्ज इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड द शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है काफ़ी वाइड होती है और शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर तक होती है इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड द सम सोल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटीरियल इसका काम होता है कि जो भी अनडाइजेस्टिव फूड आ रहा है उससे वाटर और सोल्ट को रीअबॉर्ब करना द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इन टू द and एंड रिमेन as एज सेमी सोलिड फीसिस उसके बाद जो भी अनडाइाइजेस्टिव फूड होता है वो रेक्टम में चला जाता है और वहाँ पर ये सेमी सोलिड फेसिस के तौर पर रहता है द फेस मैटर इज रिमूवड थ्रू द एन एस फ्रॉम द टाइम टू टाइम दिस इज कोल्ड द इजैशन अब ये जो फेसल मैटर होता है टाइम टू टाइम एन एस के थ्रू जो है रिमोव होता रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो भी डाइजेशन है वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होती है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं हैव यू ऑब्जर्व काउ बुफैलो एंड द अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चुविंग कंटिन्यूसली इवन वैन दे आर नॉट ईटिंग आपने कौज बुफेलो और बहुत से ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा होगा जो हर वक्त कुछ ना कुछ चुबाते रहते हैं जबकि वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं एक्चुअली दे क्यूकली स्वेल द ग्रास एंड स्टोर इट इज़ इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल द रूमेन नाउ एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो बड़ी क्यूकली ग्रास को स्वेल्पअप करते रहते हैं और फिर उसको अपने स्टोमक के एक पार्ट रूमन में इकट्ठा कर लेते हैं वेयर द फूड पार्शली डाइजेस्टिड एंड इट कॉल द कर्ड वहाँ पे जो फूड है पार्शली डाइजेस्टिड होता है जिसे कर्ड कहते हैं बट लेटर द करड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्ब एंड एनिमल्स च्यू इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन एंड दिज एनिमल्स आर कोल्ड द र्यूमिनेट लेटर ये जो कर्ड होते हैं वो उनके मुँह में वापिस आते हैं ये एनिमल जो हैं उनको च्यू अप करना शुरू कर देते हैं दिस प्रोसेस कॉल द र्यूमिनेशन इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं और इन एनिमल्स को र्यूमिनेट्स कहते हैं ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ग्रास में सेलुलोज बहुत ज़्यादा प्रजेंट होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम जो हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट Ruminants have a large sac like structure called the rumen between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in human. रूमिनस में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे र्यूमन कहते हैं ये ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है जो फूड में जो भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो इसी एरिया में डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ द सर्टन बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स में प्रजेंट नहीं होते हैं So far, you have learned about animals which which possess the digestive system. But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. How do they acquire and digest food? In the section below, you will learn another interesting way of the food intake. Now. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ना तो पर्टिकुलर माउथ प्रेजेंट होता है और ना ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है तो ये एनिमल्स जो हैं किस तरह से अपने फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन द अमीबा अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स अमीबा में जो है एक सेल मेम्ब्रेन होती है एक राउंडेड डेंस सा होता है और बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स प्रजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन अमीबा जो है अपनी शेप और पोजिशन को चेंज करते रहते हैं पुशिज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन काल द सीडोपोडिया और द फॉल्स फ़ीट फॉर मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड अमीबा एक या एक से ज़्यादा लाइक प्रोजेक्शंस को पुश आउट करते हैं और उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया सीडोपोडिया जो है एक फॉल्स फ़ीट की तरह बिहेव करता है फॉर द मोमेंट के लिए और साथ में फूड को कैप्चर करने के लिए अमीवा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीवा फीट ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो अमीवा होता है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीडअप करता है वैन इट सेंस द फूड इट पुशिज आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट जैसे ही ये फूड को महसूस करता है तो फिंगर लाइक सीडोपोडिया को ये पुश आउट करता है उस फूड वैक्यूल के चारों तरफ और उसको इनगल्फ कर जाता है द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रीटिड इन टू द फूड वैक्यूल जो भी डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो फूड वैक्यूल में अप होते हैं दे एक्ट एज द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इंटू सिंपलर सब्टांसिस ये जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं उस फूड के ऊपर एक्टअप करते हैं और उसको सिम्पलर सब्टानसिस में तोड़ देते हैं ग्रेजुअली द डायजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब धीरे धीरे जो भी डाइजेस्टिड फूड होता है उसको वो एबजॉर्ब कर देता है द एब्ज़ॉर्ब सब्टानसिस आर यूज फॉर द ग्रोथ मेनटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन जो भी एबजॉर्ब सब्टानांसिस होते हैं फूड के वो ग्रोथ के लिए मैंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज अप होते हैं अन डाइजेस्टिव रेज ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल और जो अनडाइजेस्टिव रेजडूल्स रह जाता है फूड का वो वैक्यूल से बाहर निकल जाता है द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इज द सेम इन ऑल द एनिमल्स जो बेसिक प्रोसेस है फूड के डाइजेशन का वो सभी एनिमल्स में सेम ही होता है क्योंकि सब में जो है एनर्जी रिलीज अप होती है इन ए लेटेड चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर जय हिंद जय भारत